साथ रास करने नहीं आते, परमात्मा 16108 विवाह करने नहीं आते, तो भगवान किस लिए आए? धर्म संस्थापना था यह संभवामी युगे युगे, परित्राणाय साधुनाय, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्टकृताम। भगवान दुष्टों का दमन करने आते हैं। साधु ब्राह्मण, साधु मतलब सिर्फ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं होता। साधु कौन? जो सत्य का संग दे। ध्यान से सुन ले, आप भी साधु हो सकते हैं। जींस पेंट में भी साधु हो सकता है, कुर्ते पाजामे में साधु हो सकता है। वो जो आजकल वो चल रही है, कौन सी, क्या बोलते उसको, अरे वो जो ना पेंट है ना वो निक्कर है, क्या है वो, आजकल के नौजवान वो ही पहन के घूमते हैं बाइक पे। अगर वो सत्य पर चलता है तो वो भी साधु हो सकता है। जिसके जीवन में सत्य है वो साधु है। जो वस्त्र रंगा ले और सत्य छोड़ दे वो साधु नहीं हो सकता। तो साधु कौन? जो कृष्ण से प्यार करे। साधु कौन? जो सत्य से प्रेम करे। और सत्यम परम धीमहि, इस जीवन का परम सत्य कौन है? बोले कृष्ण ही परम सत्य है, जो जीव का कल्याण करने का प्रण लिए हुए हैं कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा, मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। ये कृष्ण ही परम सत्य है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है, जिसमें 31 अध्याय हैं। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं आश्रय लीला का वर्णन, जिसमें किया गया है। इस तरीके से 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं भागवत के अंतर्गत। राजा परीक्षित सातवें दिन अपने स्थान से खड़े हुए और सुखदेव मुनि का तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया और गंगा के तट पर तक्षक के आने का इंतजार करने लगे। साधु संत कहते हैं, महात्मा गण कहते हैं, तक्षक का आना और डसना ये तो श्राप की पूर्ति भर था। परीक्षित के प्राण तो उसी समय कृष्ण में समा गए जिस समय श्री मद्भागवत संपूर्ण हुई थी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, कल काल में अगर मुक्ति का कोई मार्ग है तो वह है भगवान का नाम। और कलयुग में जितने ज्यादा आप संकीर्तन कर सकें वो ज्यादा बढ़िया है। संकीर्तन का मतलब होता है जितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हों उनके साथ में बैठकर अगर आप कीर्तन करते हो तो जितने लोग बैठे हैं उतने लोग, उतने नाम, उतने हजार नाम, उतने लाख नाम आपके एक बार नाम लेने से जमा होते हैं। मानव योनि का एक सबसे बड़ा कलयुग में वर्णन ऐसा कहा गया है, जो जीव इस मानव योनि में 33 करोड़ मंत्र जप ले उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और 10 से 15 मिनट में ही आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो आप सब सर ढककर बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। अभी मुझे कुछ शब्द आपको बोलने हैं लेकिन बोलूंगा वो इस क्रम के बाद, इसलिए शांति से बैठे रहें और मेरे साथ कीर्तन करेंगे वो भी 2 मिनट बाद। बैठे रहें, ज्यादा से ज्यादा नाम खजाना। आप लोग फिर खड़े हो गए हैं लेकिन खड़े रहें, बैठे नहीं, अब खड़े ही रहें आप लोग, ठीक है? और आप सब बैठे रहें और जब तक यहाँ ये क्रम चले तब तक आप भजन करते रहिए। मंत्र बता देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुछ भी चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ यही मंत्र जपते रहना है। और आज आपको वो करना है जो मैं अभी कह रहा हूँ, अगर आप उठोगे तो आप मेरे कन्हैया के गुनहगार हो, ध्यान रखना। राधे राधे। एक और बात, जब तक भागवत जी को हम विदा न कर दें आप लोग नहीं जाएंगे। जब आरती हो जाएगी तो उसके बाद भागवत जी को विदा करेंगे। अब ये क्यों? सुनो, आपके घर में कोई अतिथि आता है और जब वो जाता है तो आप उसे प्लेटफॉर्म तक छोड़ने जाते हो, एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हो? जाते हो कि नहीं? गाड़ी तक छोड़ने जाते हो कि नहीं? ये भगवान से बड़ा कोई अतिथि हो सकता है तुम्हारे घर में? भागवत स्वयं कृष्ण है। जब आरती हो जाएगी तो इनको मुख्य जजमान के सर पर विराजमान कराकर विदा करेंगे और सब हाथ जोड़कर उनको विदा करेंगे, और ऐसे जैसे हमारे अपने प्रिय हैं। और वो दृश्य देखने के बाद आप घर जाएंगे और ये पक्की बात है, 10 से 15 मिनट में हम लोग ये करेंगे। और आप सब हाथ जोड़कर यही मंत्र जपते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नारायण सभी मंत्र जाप करेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा निष्काम मन से सदा में ये गाऊं गोविंद दामो धर्माद्वेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भागवत की इस पूर्णावति पर दो बात आपसे बोलना चाहूंगा पहली बात अगर मेरे मुंह से इन 7 दिनों में कोई भी बात ऐसी निकली हो जो आपको अच्छी न लगी हो तो अपने ही घर का छोटा परिवार का सदस्य मानकर मेरी सारी उन बातों को भूल जाइएगा अच्छी लगी हो तो उसे बिल्कुल मत भूलिएगा उसे जीवन भर उतार के रखिएगा सभी लोग मेरी इस बात को स्वीकार करें दूसरी बात जीवन में धर्म करना कभी न भूलें जितने भी बच्चे बैठे हैं नौजवान बैठे हैं सबसे निवेदन है आप अपने माथे पे तिलक जरूर लगाया करें गले में कंठी पहना करें तुलसी पहना करें जिससे कोई भी व्यक्ति हमें दूर से ही पहचान ले कि हम सनातन धर्म को चाहने वाले हैं ये जरूर है ये चिन्ह है आपके और कोई भी रोके तो उसकी मत मानो तिलक लगाओ कंठी पहनो अरे हम भी पहनते हैं आप भी पहनो सब पहनो कंठी पहनने से तो लोग आपको देखते ही कहेंगे कि अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है तिलक लगाता है पहली बात और एक बात आप सबसे निवेदन जो धर्म की रक्षार्थ हमने आपसे कहा है कि हमें गौ हत्या रुकवानी है गंगा जमुना साफ रखना है और बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके सबको बराबर अमीरी गरीबी के सारे संविधान तोड़कर सबको बराबर एजुकेशन मिले इसलिए हम एक परिवार बनाने जा रहे हैं जिसमें 1 करोड़ लोग चाहते हैं कितने जोर से बोलिए और जोर से बोलिए जिन लोगों ने 1
पल भी उपस्थित रहकर भी जिन्होंने सपोर्ट किया इस यज्ञ का, हम व्यास पीठ पर बैठकर ये शुभकामना करते हैं, परमात्मा आपका मनोरथ पूर्ण करे, भगवान आपकी हरेक इच्छा पूर्ण करे, जो सद इच्छाओं हो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। एक और बात, अगली बार जब मैं कथा करने आऊं तो याद रखना, कोई भी यहां पर ऐसा ना हो कि हम दूर बैठ के कथा सुन लेंगे, कोशिश ये करें कि हम सब कार्यकर्ता बनकर पहले अपने ठाकुर के आने की तैयारी करेंगे, उसके बाद बैठकर ठाकुर की कथा सुनेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या में स्वागत करेंगे अपने गोविंद का, अपने गोपाल का। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आगे बढ़ें, आरती की तैयारी करें। बताइए, भजन गाऊं कि आरती करूं? गाऊं तो जरा झूम के गाइए सब। कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, संत सुजाने नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। सभी लोग झूमेंगे, नौजवानों मस्ती में झूमो, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। हो आधी रात महल तज चल दी, राह न मन वापस का भैया रे, राह न मन वापस का भैया रे। पता चलना चाहिए कि तुम जवान हो, इसीलिए भजन गा रहा हूं, वरना आज के दिन भजन नहीं गाता हूं मैं। हो मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, नाम रस। कोशिश करो आसमान छूने की, नाम है रस। इसका मतलब जवान नहीं हो, बूढ़े हो गए अभी से। जो जो कन्हैया का प्रेरमी है वो सब कोशिश करे। नाम है रस, नाम है रस, नाम है रस। कोई भजन नहीं गाएगा यहाँ, आज आज है। जो जो कन्हैया से प्रेम करते भूल जाओ कि तुम बड़े हो कि छोटे, एक ही बात याद रखो कि तुम भगवान के हो। है क्या याद रखोगे? गिरधर की दीवानी मीरा, ताके छोटा पेयस का भैया रे, ताके छोटा पेयस का भैया रे, ताके छोटा हो। बन बन डोल है श्याम बावरी,
पढ़ो नाम को चस का भैया रे, पढ़ो नाम को चस का भैया रे, पढ़ो नाम को चस का। जिसको प्रेम करना है वो जबरदस्त नाचो कन्हैया के लिए। अरे यहां नाच के पाप कटेंगे, दुनिया में नाचोगे पाप बढ़ेंगे। हो मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, हो मेरो श्याम, मेरो श्याम। हरि बोल। सात दिन तुम हद कर, हम नहीं गाएंगे आपके लिए, है बेकार है, हमें दिल तोड़ते हो। चलो चुनरी ओढ़ो, पीछे लग सब, और वो चुनरी ऊपर तक होनी चाहिए, कैसे पीछे लग, भाई लोग भी गोपी बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो मैं नहीं, हो मिलके गाए ऊपर पीछे तक। चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। अभी नाचना नहीं है, बस चुनरी हिलाओ, अभी मैं बताऊंगा कब नाचना है। पहले चुनरी ऊपर करो। हाँ जी, सब लोग पीछे तक, और जो मंच पे खड़े हैं वो देखो, देखो पंडाल में कितने भक्ति के रंग हैं इस समय। पीछे तक देखो, भक्ति के कितने रंग हैं। ये आनंद सिर्फ मेरे कन्हैया के आ सकता है, और दुनिया में कहीं नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता। हो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जोगनिया, हाँ बनके जोगनिया, काना की वृंदावन जाऊंगी बनके जोगनिया, काना की।
सबसे अच्छे तो ये बच्चे नाच रहे छोटे छोटे, भगवान करे ये बच्चे ही, इनसे सीख लो। ए बेटा, ए मेरे लाल, यहाँ हाथ रखियो और एक हाथ यहाँ रख, और अब हो जा शुरू। बनके जोगनिया का रागी वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया का रागी वृंदावन जाऊंगी, ओ जमुना किनारे कुटिया बनाऊं, जमुना किनारे कुटिया बनाऊं, राधे राधे निश दिन गाऊं, राधे राधे निश दिन गाऊं, आवे जहां ते मेरो पिया, पलके बिछाऊंगी, बनके जो बनिया, बनके जो बनिया काना के वृंदावन जाओगे, काना के वृंदावन जाओगे। आप बहुत से लोग करें, हमें नाचना आता ही नहीं महाराज, हम सिखा दें, दोनों हाथ ऊपर करो, सब कर लो ना सर, सर कर लो, सब लोग कर लो ऊपर दोनों हाथ। बनके जोगनिया, हाँ बनके जोगनिया काना की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया काना की वृंदावन जाऊंगी, जय राधे 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 वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, गोवर्धन में, जदीपुरा में, आन्योर में, परिक्रमा में, आते बोले जाते बोले, जय राधे राधे 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 राधे। ए भाई जरा थोड़ा इधर हो जाओ, मुझे इनको देखना है। नैनन में नागारो नाच ले, नाच ले, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, अभी उसमें बजाएंगे थोड़ा सा, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, टूटे डो तेरी तेरी रे नजरिया, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, 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 टेढ़ी 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 रे तेरे मुख की मुरलिया, टेढ़ी रे तेरे मुख की मुरलिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, नैनन में हो नैनन में हो नैनन समाएगो, मोए प्रेम परोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम परोग लगाएगो, हरि नैनन में श्याम समाएगो, मोए प्रेम परोग, ओ बल जाऊं रे श्याम तेरे अधरन पे, जाऊंगी श्याम तेरे अधरन पे, वो तो प्यारी प्यारी बंसी बजाएगा, मोए प्रेम रोग लगाएगा।
भगवान करे यहाँ जितने भी लोग आए इन सबको प्रेम का रोग लग जाए और वो सब जोगन बन के मेरे कन्हैया की हो जाए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल के ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपुत्रे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलजं भगवाटलाब्जे पुण्याङ्गजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। धान सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणः परमेश्वरः। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण प्रसोदमाय नमः। पुलि भागवत महाप्राण की सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 07351112221
07351111331 07351111441 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscity.com विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।